देखिए, ये जो ब्लड डोनेशन ड्राइव है ये पिछले 16 वर्षों से हम लोग कर रहे हैं, और एक ये क्लारास कॉलेज ऑफ कॉमर्स की एक NSS यूनिट की एक्टिविटी है जो प्रशांत सर के गाइडेंस में इतने सालों से चल रही है। और ये इतना अच्छा एक इनिशिएटिव है क्योंकि ब्लड डोनेशन ड्राइव और लोगों को अगर ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, इससे अच्छा मुझे लगता है कोई योगदान नहीं हो सकता है सोसाइटी के प्रति। देखिए, लोगों में एक जागरूकता है कि कैसे लोगों ने ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं बहुत से बार ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी होती है, तो जितना भी ब्लड डोनेट करें उतना बहुत अच्छा। तब मेरे को लगता है कि लोगों ने काफ़ी अवेयरनेस क्रिएट किया है, प्रशांत सर ने उनकी टीम ने काफ़ी लोगों में एक जागरूकता लाने की कोशिश की, और उसका आज आप ही नतीजा देख रहे हैं। क्लारा कॉलेज ऑफ कॉमर्स की तरफ से कि गए 16 साल से रक्तदान शिविर यहाँ पे होता है, और सही में एक बहुत बड़ी मायना रखता है। और इसके जो आयोजक है वो हमारे सबके गुरु है, अजय कौल सर जी इस क्लारा कॉलेज कॉमर्स के संस्थापक है, एकता मंच के अध्यक्ष है, और इन्होंने जो इनिशिएटिव पार्ट ले के ये ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम इतने सालों से कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज महाराष्ट्र राज्य में भी रक्त का बहुत तो मतलब कमी है, और ये कमी पूरी करने की पूरे हर साल जैसे ये साल भी अजय कौल सर जी ने एक कोशिश की है, और उनके साथ उनके जो बैकबोन है जो सही मैं इतने सालों से देख रहा हूँ, कम से कम 20-25 सालों से प्रशांत काशिद सर जो उनके हाथों में हाथ डाल के उनके पीछे से उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, और ये अभी 100 के ज़्यादा ब्लड लोगों ने डोनेटर ने ब्लड डोनेशन दिया है, और आगे भी मुझे लगता है कि कम से कम 800 से या 900 की तारीख में ब्लड जो है यहाँ पे जमा होएगा, और महाराष्ट्र राज्य में जो रक्त का टुटवड़ा है वो पूरा होएगा। यानी खरोखर ये जो महान कार्य है, मतलब बहुत बड़ा महान कार्य है, और ये कार्य करने की क्षमता खाली अजय कौल सर जी और प्रशांत काशी सर जी के पास है, क्योंकि मला माहिती आहे की गेल्या दरवर्षी हे आपलं हेल्थ कॅम्प पण मोठ्या प्रमाणात होत असतो, आणि ह्या हेल्थ कॅम्पमध्ये अंधेरी विभागातील जनता सगळ्या सुविधा हेल्थ कॅम्पच्या इकडे ठेवलेल्या असतात आणि त्याचा लाभ घेत असतात। आणि आज रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे, आणि रक्त हे सगळ्यांना महाराष्ट्र राज्याला कम तुटवडा असल्यामुळे हे काम होत आहे, त्यांच्याबरोबर महात्मा गांधी सेवा मंदिर ट्रस्ट दिघे साहेब पण आहेत, हे पण काम करतायत, इथे डिकोस्टा आहेत, हे चांगले सामाजिक कार्य आहेत करतायत, आणि ह्या सगळ्यांचा एवढं चांगला ग्रुप, एक चांगली युनिटी, आणि अजय कौल सरांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सेवाव्रत होत आहे आणि प्रशांत काशी सर यांना पाठिंबा देत आहे, ही खरंच एक मोठी महनीय गोष्ट आहे। नाही, पहिले मी अजय कौल सरांचे आभार मानतो आणि अभिनंदन करतो त्यांचं, की फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या ठिकाणी ब्लड डोनेशन कॅम्प आयोजित केलेली आहे। त्यांच्या मम्मीची 23rd डेथ ॲनिव्हर्सरी आहे, ते पण एक ह्या निमित्ताने ही ब्लड कॅम्प आयोजित केलेली आहे। 2 तासामध्ये 100 बाटल्या रक्त मिळणं म्हणजे हे सगळं श्रेय त्यांच्या आयोजकांना आणि त्यांना जात आहे, तर माझं खरोखर त्यांचं अभिनंदन आहे, आणि असंच त्यांनी चांगलं सेवाकार्य पुढे करत राहावं अशी मी त्यांना शुभेच्छा देते। थँक्यू। मुझे कहने के लिए बहुत सारा चीज है। सबसे पहले तो मैं अजय सर और प्रशांत सर जो प्लानर्स की जो टीम है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये इन्होंने ना एक प्रथा चालू की है यहाँ पर। वो प्रथा ये है कि हर साल ब्लड डोनेशन, ये कोई भी कंट्री में अगर हम आप देखेंगे बाहर के देशों में और इंडिया में ना, बाहर के देश में ये रेगुलर इवेंट होता है साल में दो बार। अपने देश में मेरे ख्याल से क्लारास कॉलेज ही ऐसा है जो विदाउट फेल 16 साल से ये कंटिन्यूस काम कर रही है। तो इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि ये प्रथा जो स्टार्ट की है ना, ये सब लोगों ने सीखनी चाहिए। दूसरी बात है कि क्लारास के बारे में बोलने जाएंगे तो शायद 15 मिनट 1 घंटा 1 दिन भी कम पड़े। कोविड के टाइम में हम लोग बात कर रहे थे सर के साथ, गिट्टे सर के साथ, कि कोविड के टाइम में जो सर लोगों ने मदद किया था कोविड प्लाज्मा अवेयरनेस, वो उस वक्त में भी रुका नहीं सरकार डोनेशन,
उस वक्त में जब सब लोग हाथ छोड़ रहे थे, उस वक्त में प्रशांत सर, अजय सर ने कोविड के लिए प्लाज्मा जनरेशन अवेयरनेस क्रिएट किया, ब्लड डोनेशन किया जो नहीं हो रहा था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज का जो कैंप, जो प्रशांत सर ने मुझे कहा था कि दिन भर में 100 होगा, वो 2 घंटे में 100 हो गए। मतलब मैंने आज तक ऐसे कभी मैंने अपने लाइफ में अनुभव नहीं किया 22 साल में कि जितना बोला गया उसके ज़्यादा कभी कलेक्शन हो। तो मेरे लिए ये तो घर है। तो मैं थैंक्स बोलूँगा मेरी तरफ से डॉक्टर किशोर झा महात्मा गांधी ब्लड सेंटर की तरफ से कि जो ये सिस्टम और जो ये प्रथा बनाई है ना, ये सब लोगों ने सीखना चाहिए कि साल में एक बार तो हम डोनेट करें। 2 बार करते हैं ये लोग, मगर सब लोगों ने ये कसम खानी चाहिए मुंबई में, पूरे इंडिया में, कि साल भर में एक बार ड्राइव हो। बस ये बोलना चाहिए। Clara College of Commerce और महात्मा गांधी ब्लड बैंक एवरी ईयर 14 दिसंबर को अजय सर की जी मम्मी माँ के जन्मदिन पर उपलक्ष्य पर एक ब्लड ड्राइव आयोजित करते हैं। मगर ये उपलक्ष्य के पीछे मेन ड्राइविंग फोर्स जो है वो माननीय अजय सर और प्रशांत काशी सर हैं। ये तो खाली झलक है ब्लड डोनेशन कैंप सर के काम की लिस्ट अनएंडिंग है। मेडिकल कैंप ले लो, यहाँ कोविड का सेंटर था, सबको अनाज फूड और सब अदर थिंग्स मटेरियल सर ने सप्लाई किया है। इतना ही नहीं, सर का जो एकता मंच एनजीओ है वो हर एक गरीब निडी पर्सन को मदद करता है। कॉलेज में हम जो गरीब स्टूडेंट है उनको फी भी माफ़ करते हैं। इतना ही नहीं, मोहल्ला कमेटी है और मोहल्ला कमेटी के द्वारा सर का काम सामाजिक कार्य चलता है। तो सर जैसा या उनके काम जैसा आदमी मैंने गवर्नमेंट में काम किया है, प्राइवेट में किया है, मगर मैंने कभी देखा नहीं इतना विदाउट एनी सेल्फिशनेस, विदाउट एनी एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। तो सर को तो क्या, हम उनके फैमिली के मेम्बर ही है। तो थैंक्स सर। प्रशांत सर, आपसे जानना चाहूँगा, 16 साल से ये चला रहा है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है, जिस तरह से आपकी टीम काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा अगर टीम के बारे में बात करना चाहिए कि उनकी तरफ से किस तरह का मोटिवेशन मिलता है। मैंने अजय सर ने अपनी माँ से प्रेरणा ली, हमें प्रेरणा दी, हम उसी कदमों के आज जान सकते हुए हमें सोशल काम जो पूरे समाज के लिए कर रहे हैं। मुझे तो ये बोलना है खाली एक ही चीज़ कि आज जो ब्लड डोनेशन ड्राइव हो रहा है, आज क्लारा फॉल्क का जन्मदिन है जो कि माता जी है, आज सर ने 15-16 साल से जो ब्लड डोनेशन ड्राइव चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज को दिया होगा माँ के बड्डे पर, इससे बड़ा तोहफा। ये आज का ये 16वां साल है ब्लड डोनेशन ड्राइव का, और ये लगातार 16 साल से इस तरह कंटिन्यूसली होते आ रहा है ब्लड। आज आप लोग देख रहे हैं कि मुंबई में ब्लड की कमी है, हर बार हमको सुनने में आता है कि जान बचाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है ब्लड, और उसकी कमी हमेशा रहती है। और ये अजय कौल सर की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप जो चलते आ रहा है 16 साल से, इसने बहुत मदद की है ब्लड मुंबई में पूरा करने के लिए, और हर साल ये वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। ब्लड डोनेशन का जो वॉल्यूम है ये हर साल बढ़ते जा रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। रक्तदान है, श्रेष्ठ दान है,
हे दान केले कोणाचा जो जीव असतो ही एक मोठी गोष्ट आहे आणि हे कार्य आज आपले अजय सर जे आहेत त्या ते गेल्या अनेक वर्षापासून हा कार्यक्रम राबवत आहेत ह्याच्याबरोबर सामाजिकही काम करत आहेत पण हा उपक्रम खरोखरच लोकांना जीवदान देण्यासारखा आहे आणि त्याबद्दल खरोखर मी अजय सरांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो. सर जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है. लोगों के पास जिनके पास पैसा वो खरीद सकते हैं, जिनके पास गरीबों के पास नहीं है उनके लिए एक बहुत सी मदद है. तो ये सबसे बेहतरीन काम है किसी की जान बचाना, किसी को मदद करना जो अजय सर कर रहे हैं. सर ने आज कैम्प भरवले गाँव मधे क्लारा कॉलेज मधे कैम्प भरवले दर वर्षा प्रमाण आज आईंचा वाढदिवस आणि मोठी श्रद्धांजली असे त्यांच्या आईंसाठी आणि खरोखरच ब्लडची आज प्रत्येकाला आवश्यकता आहे. आणि सरांनी आताच मगाशी सांगितलं जेव्हा पण आपल्याला ब्लडची गरज असेल माझ्याकडे जिथे तर या तुम्ही कधी पण अर्ध्या रात्री जरी आले आम्हाला तरी त्याला ब्लडचं दिले जाईल. हा जो आपण डोनेट करतो ब्लड याचाच आपल्या समाजाला जे पेशंट आहे उपचार घेतात ब्लड कॅन्सरचा त्यांच्यासाठी हा चांगला आहे. खरोखर सरांचं अभिनंदन करीन यासाठी. आज दरवर्षात 16 वर्ष झाली हा ब्लड डोनेशनचा कॅम्प भरवला जातो त्यासाठी मी विसावकरी जमात नेत्याच्या वतीने शुभेच्छा देतो सरांना. सर्वात श्रेष्ठ दान आहे अजय सरांमार्फत प्रत्येक वर्षी रक्तदानाचे शिबिर अनेक आरोग्य शिबिरे इकडे घेऊन घेतली जातात. तर पण गरीब काय गरीब असतात त्यांना अजय सरांमार्फत ही मदत होते. खरंच अजय सरांमार्फत पूर्ण योगदान आहे पूर्ण आमच्या वर्षभाव विभागाला आणि अजय सरांकडून असेच कार्य करावं. कॅम्प चल रहा है उसको लेकर अजय सर ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया अभी जिस तरह का टाइम चल रहा है कि ब्लड की कमी आ रही है. कोविड के टाइम पे भी हमने देखा कि उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प किया. क्या कहना चाहेंगे सर एज अ डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे? मैं पहले तो एक बिग थैंक यू कहना चाहता हूँ. मेरा अजय सर के साथ ऑलमोस्ट एक 20 साल का रिश्ता है और मेरा जब पहले उनके साथ कनेक्शन हुआ था वो हुआ था क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया था जिसका नाम है सौगात. उसको ब्लड कैंसर हुआ था और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था प्लेटलेट्स के लिए. तो हमने तभी ये मैं 15-20 साल की पहले की बात कर रहा हूँ जब हमने 150 या 200 प्लेटलेट्स वो बच्चे को दिए थे. लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाया लेकिन एक रिश्ता बन गया और उस रिश्ते पर आज भी हम इतने दोनों अटल हैं कि हर साल उनके मम्मी के बर्थडे पे हम उनके ट्रिब्यूट बोल के एक ब्लड डोनेशन कैंप रखते ही रखते हैं. और लोगों ने भी बहुत साथ दिया है. लोग आते हैं उत्साह से आते हैं और ब्लड डोनेट करते हैं और इतना अच्छा ट्रिब्यूट इतना अच्छा नोबल कॉज बर्थडे पे हो ही नहीं सकता है. अभी 20 साल में हमने पहले बार इतना बड़ा काउंट देखा है. हमने ऑलरेडी 150 ब्लड डोनर्स हो गए हैं शायद और बाय द एंड ऑफ द डे 250-300 तक हम टारगेट कर रहे हैं. अभी इस मौसम में प्लेटलेट्स की बहुत ज़रूरत है. इवन कोविड में हमें ब्लड और प्लेटलेट्स की ज़रूरत थी तो अजय सर ने बहुत हेल्प किया था. तो ये सारे जो हम लोग ब्लड ले रहे हैं उसको हम लोग पैक्ड सेल्स प्लेटलेट्स और प्लाज्मा तीनों कंपोनेंट्स में सेपरेट करके 3 अलग अलग लोगों को हम की जान बचा सकते हैं पोटेंशियली. तो हम बहुत खुश हैं कि एक अच्छे वक्त पे सही वक्त पे हम ड्राइव कर पाए. थैंक यू सर. सरांचं सामाजिक कार्य आहे ये एकदम यारी रोड वर्षा व अंधेरी विभागात भरपूर जोराने चालू आहे. जेव्हा पण सामाजिक कार्य सर करतील त्यात आम्ही आवर्जून हजेरी देऊ. सामाजिक कार्य ब्लड डोनेट आहे सामाजिक दुसऱ्यांसाठी मदत करणं हे सरांचं भरपूर जोरात काम चालू आहे. कारण याचा सरांना फायदा काय ना दुसऱ्यांना फायदा होते हे सर जाणून घेतात. काय दुसऱ्यांना फायदा झाला पाहिजे ज्यांना रक्त आता कमी आहे ते रक्त आता हे दुसऱ्यांचं माझं रक्त या स्थिती एवढे जणांचं रक्त दुसऱ्यांना होईल सरांचं हेच मोटिवेट आहे का दुसऱ्यांना आता फायदा झाला पाहिजे आणि असेच सामाजिक कार्य सर करून दे आणि त्यात आम्ही आमचा त्यात हात लागतो हीच मोठी गोष्ट आहे. बस एवढंच बोलेन मी. आणि डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं ते तुम्हाला माहीत आहे ते ब्लड काय कसं पेशंट होते ते सांगितलं डॉक्टर साहेबांनी. ये देखिए कोरोना के टाइम पे हमने देखा है
कि कितने ब्लड की कमी पड़ी थी। अभी भी भारत में 15 मिलियन ब्लड की रिक्वायरमेंट है जो कि 11 मिलियन तक ही संपूर्ण हो पाती है, वो उपलब्ध हो पाता है। उनमें से भी रोज़ाना एक स्टडी के दौरान पाया गया कि 12,000 लोग रोज़ाना ब्लड की कमी से मरते हैं, तो उनके लिए ये ब्लड डोनेशन कैंप एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे सर के तरफ से लिया गया है, और आगे भी ऐसा इनिशिएटिव लिया जाएगा। और आज हमारा खुद का पहली बार जो था, मैंने पहली बार ब्लड डोनेट किया है, जो कि काफ़ी शुरुआत में मैं डर रहा था, अभी कुछ ऐसा है नहीं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी शांति भी लग रहा है। और ब्लड डोनेट करने के बाद यहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक की समस्या कम होती है जो भी, और फिर यही है। और मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि आप भी आइए और ब्लड डोनेट कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको ब्लड डोनेशन करना चाहिए। जैसे हर साल यहाँ 14 दिसंबर को PWC में ब्लड डोनेशन होता है, इसलिए मैं यहाँ का कुछ 3 साल से मैं खुद ब्लड डोनेट करता हूँ यहाँ PWC में। अभी भी रात में मैं ब्लड डोनेट करूँगा सभी हो जाने के बाद, क्योंकि मैं वॉलंटियर भी करता हूँ। जैसे लॉ कॉलेज से आए, ये भी अपना जॉब अभी है इनका, वो छूट गया, तो हम मतलब मैक्सिमम मैनेज करते हैं कि हम मैनेज भी करें और ब्लड डोनेशन भी करें एक साथ। वो भी हमारे एक स्टूडेंट है जिनका इलेन नाम है जिनका, वो भी हर साल ब्लड डोनेट करते हैं यहाँ 14 दिसंबर को आके, और वॉलेंटियर है। तो जैसे सब एक साथ मिल के वॉलेंटियरिंग भी कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन भी कर रहे हैं उसमें, और सबको इसी तरीके से ब्लड डोनेशन करना चाहिए ताकि जो ज़रूरतमंद पेशेंट है उनको ब्लड प्रॉपरली मिले और तक पहुँचे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो डेली कम लाइक हफ्ते में उनको 2-2 बोतल भी ब्लड लगते हैं, तो हमें हर साल ब्लड डोनेट करना चाहिए 3 मंथ में। मैं भी खुद मतलब 3 साल से ब्लड दे रहा हूँ और हर 3 महीने देते रहता हूँ यहाँ, यही का मैं स्टूडेंट हूँ और यही पे मैंने फ़र्स्ट टाइम दिया था, और अब तक मैं हर 14 दिसंबर को यहाँ पे देता हूँ, कंपलसरी देता हूँ। और बस इनका कॉलेज का सपोर्ट और प्रशांत सर का सपोर्ट है, इसलिए आज ब्लड दूँ पा रहा। यही क्या मतलब, ये कॉलेज से अजय सर के थ्रू हमें काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें हमें सीखने मिली है। मतलब जब मैं यहाँ पे कुछ 5 साल पहले आया था, तभी मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ही डोनेट किया था, बट उसके बाद से प्रशांत सर ने काफ़ी सपोर्ट किया कि मतलब हमें सोशल वर्क ज़्यादा करना चाहिए। उसके बाद से काफ़ी जगह हमने डोनेट किया, हर साल में 2 बार मैं डोनेट करता ही, यहाँ पे भी करता हूँ, कभी कोई हॉस्पिटल में ज़रूरत हो वहाँ पे भी करता हूँ। और ये सब हमें सर ने सिखाया कि मतलब जब भी ज़रूरत पड़े किसी की भी हेल्प कीजिए, भले आप अवेलेबल हो नहीं भी हो कैसी भी हेल्प कीजिए। मंच ये सामाजिक संस्था अजय कौल सर के अध्यक्ष के नीचे काम करती है। साल में ये ब्लड कैंप हो या अन्य गरीब लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी हो, ऐसे समाज उपयोगी काम अजय कौल सर के मार्फत यहाँ पे होता है। एकता मंच ये बहुत अच्छी काम करने वाली संस्था है, ये इस एरिया के लोगों को पूरी तरह मालूम है। इसके लिए इस ब्लड कैंप में जो आज उनके माताजी का जन्मदिन है 14 दिसंबर को, तो जयंती के अवसर पर वो हर साल ब्लड कैंप आयोजित करते हैं, बहुत बड़ा प्रतिसाद उनको मिलता है एरिया में से, तो ये इसका कारण है। बहुत ही लोकप्रिय सृजनशील ऐसे व्यक्तिमत्व अजय कौल सर है, इसकी वजह से ये ब्लड कैंप बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित किया जाता है। सबसे पहले आज उनके माता जी का जन्मदिन है, इसलिए वो ब्लड कैंप हर साल किया जाता है। और सर के बारे में मैं क्या बोलूँ, अनगिनत चीज़ें हैं सर जो करते हैं ब्लड का कैंप के द्वारा, तो कितने हज़ारों लोगों को वो हेल्प करते हैं, पेट के लिए करते हैं। कोरोना में हर बार मैं ये चीज़ दोहराती हूँ कि कोरोना में सर ने जो किया किसी ने नहीं किया, और ये वार्ड में नहीं सर, पूरे मेरे ख्याल से के वेस्ट में हर जगह सर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए मैं हमारे पूरे टीम की तरफ से सर को थैंक यू सो मच बोलती हूँ, और ये भी बोलना चाहूँगी ये हमारे सौभाग्य है कि हमें इधर आज इधर खड़े रह के हमें 2 शब्द बोलने की
क्षमता भी आई है और अच्छा लगता है यहाँ आके बोलने के लिए। और जो ब्लड कैंप जो कर रहे हैं सर, तो मैं सभी को मैं विनंती करूँगी कि आप भी आइए, ब्लड कैंप में सहभागी होइए, क्योंकि एक किसी ने भी अगर ब्लड डोनेशन किया तो उसमें कितने लोगों की जान भी बच सकती है और लोगों को उपयोग हो सकता है। इसलिए थैंक यू सो मच। लाइफ के बारे में बोलूँगा, जिस तरह सर के हर फंक्शंस हर प्रोग्राम हिट रहते हैं, सक्सेस रहते हैं, उस तरह ये भी हिट होगा और ये अच्छा खासा रिकॉर्ड बनाएगा ब्लड का। शाम तक आप देखिए कम से कम ये 300 के ऊपर क्रॉस करेगा और हमको उम्मीद है कि मतलब ये करना ही चाहिए और इसमें हर कोई सपोर्ट कर रहा है, पूरे एरिया वाले आ रहे हैं सब। सर का नाम है तो हर कोई आता ही है यहाँ पर। ज़्यादा यूथ जो है वो भी सहभागी हो रहा है, हम देख रहे हैं। यूथ तो सर के फैन है सब, अजय सर के तो सब आते ही है, सर के नाम से और प्रशांत सर के नाम से यहाँ पर सब लोग जमा होते हैं और हर संस्था आती है यहाँ पर। हम लोग भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे भी ग्रुप से आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे यहाँ।